গৃহবধূকে শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে আটকে রেখে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। রানীগঞ্জের 35 নম্বর ওয়ার্ড আলীনগর এলাকার ঘটনা এটি। গৃহকর্তা মোহাম্মদ শাহজাদ জানান, ব্যবসায়িক কাজে তিনি সোমবার দিন আসানসোল গিয়েছিলেন। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী একাই ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে শোয়ার ঘরে দরজা বন্ধ করে চোরেরা নগদ অর্থ, মূল্যবান সোনার গহনা এবং মোবাইল চুরি করে নিয়ে যায়। এই চুরির ঘটনায় এলাকায় মাদক আসক্ত ও জুয়ারিদের হাত রয়েছে বলে দাবি ওই গৃহস্থ পরিবারের সদস্যদের। অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে, এটাই পরিবারের দাবি। স্ত্রী জুলেখা পারভীন জানান, অন্যান্য দিনের মতোই তিনি সোমবার রাত্রে ঘুমাতে গিয়েছিলেন। পরে সকাল 3:30 নাগাদ ঘুম থেকে উঠে দেখেন শোবার ঘরের বাড়ির দরজা বন্ধ বাইরে থেকে। পরে প্রতিবেশীদের সহায়তায় দরজা খুলে দেখেন বাড়ির চারিদিকে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। রান্নাঘর এবং বৈঠকখানা ঘর সহ অন্যান্য সকল ঘরের আসবাবপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। পাশের ঘরে থাকা আলমারির দরজাও ভেঙে চোরেরা সোনার উপর গহনা, নগদ প্রায় 1000 খানেক টাকা ও 2টি মোবাইল হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। বিষয়টি লক্ষ্য করেই তিনি তাঁর স্বামীকে ঘটনার খবর জানালে তিনি রানীগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দিলে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, গুগলি নিউজ। देखिए रात में है ना, वो छत के सीढ़ी से आया था, आ करके अनमारी से, यही है कि यहाँ पे चाबी रखा हुआ था, खोल करके पूरा अनमारी से सारा कैश भी लेके चला गया, सोना जेवरात जितना था सब लेके चला गया, है ना। बहुत अच्छा खासा रुपया चला गया, हम लोग पैसे कैश था और गला का झुमका था और पायल वगैरह था। मोबाइल था, अब मोबाइल भी लेके चले। देखिए हम तो थे नहीं, आसनसोल गए हुए थे। उसके बाद में फ़ोन आया भोर में कि ऐसा ऐसा घटना हो चुका है घर में, आपका चोरी हुआ। तो घर में चोरी हुआ तो फिर हम फौरन आए घर पे, तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ऊपर से चोर आया। चोर आने के बाद में अलमारी खोल करके सारा जेवरात लेके चला गया। 2.5 लाख का लगभग सोना वोना था, सोना चांदी सब, और उसके बाद 35,000 रुपये कैश था, वो भी लेकर चला गया। और यहाँ इतना चोर का अड्डा हो गया है अगर आपका जाकर के नशा करने वाला। क्या नाम हुआ जगह का? जगह का नाम अलीनगर है, समझे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अड्डाबाजी हो रहा है, समझे। दारू शराब सब यहाँ के पीता है, और उसके बाद में आपका वो जो पन्नी खोर लोग हैं, बहुत ज़्यादा पन्नी खोर लोग यहाँ पे पन्नी पीता है। और उधर में एक रूम है, खटाल है, समझे, वहाँ पे ताश वगैरह बहुत खेलता है, दारू वारू सब पीता है, तो ये सब। हाँ, नशा नशा। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद हुआ। ये घटना कब का, मैंने कब अंजाम दिया था? 3:30 बजे भोर में, मतलब हम, मेरा खुला 3:30 बजे भोर में। तो आप जब उठी तो क्या देखी? देखिए तो सब खुला हुआ है और सब सामान फेंका हुआ है और दरवाज़ा बाहर से बंद था। फिर जब खोले वोले तो सबको बुलाए और देख रहे, फिर किचन का सब सामान, किचन में भी जो पैसा वैसा था वो भी निकाल लिया है, और जो सामान जो डब्बा उब्बा था और डब्बा बस सब किचन में रख दिया, और दोनों दो ठो मोबाइल भी ले लिया, मतलब मेरे ही सिराना से निकाल लिया मोबाइल। तो ये खबर इसको इतना की? हाँ। जी हाँ। पुलिस क्या बोली? पुलिस घूमने के लिए गए थे तो कंप्लेन दे दिए हैं। पुलिस आए थे सुबह में तो सब पूछे उछे, उसके बाद फिर बोले ठीक है हम आएंगे 11 बजे करके, सबका जिसका जिसका फोटो है हम दिखाएंगे, आप पहचानिएगा। क्या नाम है आपका? जुलेखा परवीन। जगह का क्या नाम है? जी जगह का क्या नाम है? अलीनगर। अलीनगर।